अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.7 से 8.7, 8.8, 8.9 और 8.10 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 8.7 जिसकी स्टेटमेंट है, हाउ मच आइस विल बी मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट होगी, यानी कि मैस जो है, मैस ऑफ आइस कितना मेल्ट होगा, एम, ये हमने मालूम करना है। ये हमारा डाटा है 8.7 का। पर 50,000 जूल ऑफ हीट, अगर हीट उसे हम कितनी प्रोवाइड करें, हीट है 50,000 जूल, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूम जो है, जो उन्होंने हमें गिवन दी है साइज की, वो है 336,000 जूल किलोग्राम इनवर्स, 336,000। तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, तो उसके मुताबिक डेल्टा क्यू एफ इक्वल एम एच एफ, तो हीट तो हमने मालूम करनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी मैस हमने मालूम करना है उस आइस का, हीट उसे हमने कितनी प्रोवाइड करनी है 50,000 जूल, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने गिवन दी है, हमने मैस मालूम करना है, तो एच एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, हमने क्या मालूम करने, मैस। तो उसके लिए ये जो हीट है वो हमें गिवन है 50,000, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें हमारे पास है 336,000 है, और मैस हमने मालूम करना है, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, यह है 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.148। अगर आप इसे राउंड ऑफ कर लें तो 0.18 है, तो 5 से ग्रेटर है 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम। और चूंकि उसने आंसर जो है वो हमें पूछा हुआ है ग्राम के अंदर, तो लिहाजा आप इसे ग्राम में लें, 1000 से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 ग्राम, यानी कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 150 ग्राम। ये तो हमारा 8.7 जिसमें जो हीट जो हमें प्रोवाइड हुई है, मैस ऑफ कहता आइस मालूम करें, हीट उसने हमें कहता उसमें से जो पास आउट होगा वो 50,000 जूल है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 336,000 जूल पर किलोग्राम है, हमने हीट का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला यूज़ किया, और उसका मैस जो था ना उस आइस का जिसे हमने 50,000 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो वो था 150 ग्राम। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8 जो है ये हमने किया है 8.7, 8.8 को हम अब डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसमें कहते हैं फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की जो है वो क्वांटिटी आप मालूम करें, नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप इसका जरा देखें स्टेटमेंट को, कहते हैं -10 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि आइस को हमने जो है वो 100 ग्राम जो आइस है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है उससे मेल्ट करना है,
और वो पानी में वो चेंज होगा और उसका टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम सबसे पहले जारी बात है माइनस 10 डिग्री है, हम पहले 0 डिग्री तक पहुंचेंगे ना, कि 0 डिग्री तक इसका क्या टेम्परेचर आ रहा है, कितनी हीट इसे रिक्वायर्ड है, फिर 0 डिग्री से हम जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो मास जो है इसका वो कितना है, मास ऑफ आइस जो है ना, मास ऑफ आइस, मास कितना उसने दिया जी, 100 ग्राम। ग्राम है तो इसे किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले हम जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि हीट, हमने टोटल हीट हमने मालूम करनी है, टोटल हीट यानी कि क्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चूंकि आइस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो एच एफ उसने जो हमें गिवन दी है वो 33, ये हमारा डाटा आ गया, 6000 जूल किलोग्राम इनवर्स, तो ये उसने हमें प्रोवाइड किया। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, चले वो खैर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनेगा डेल्टा क्यू एफ इक्वल एम एच एफ, तो डेल्टा क्यू एफ मास हमें कितना गिवन है 0.1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कितनी है 36000, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आ जाएगी 36000 0.1, ये 33600, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम चलते हैं माइनस 10 डिग्री से 0 डिग्री तक इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की मेल्ट होने के लिए, यानी कि माइनस 10 डिग्री से 0 डिग्री तक आने के लिए। तो ये हमारा अब इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। मास तो इसका है वही कितना जी, 0.1 किलोग्राम। अब टेम्परेचर क्या है, माइनस 10 डिग्री से इसने कन्वर्ट होना है 0 डिग्री पे, तो T1 जो टेम्परेचर है वो है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस 10 में हम ऐड करेंगे 273, क्योंकि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, तो इसमें हम 273 ऐड करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है 263 आ जाएगा केल्विन। उसके बाद जो है T2 टेम्परेचर जो है, दूसरा जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसे भी केल्विन में लाने के लिए 0 में हम 273 ऐड करेंगे, तो 273 केल्विन आ गया। फिर उसके बाद हम जो है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज होगा माइनस 10 से 0 डिग्री में आने के लिए, तो डेल्टा टी इक्वल ये आ जाएगा T2 माइनस T1, डेल्टा टी इक्वल T2 हमारे पास क्या है जी 273 माइनस 263, ये आ जाएगा 10 केल्विन। अब चूंकि ये 0 डिग्री पे आइस पे है, तो आइस के हम स्पेसिफिक हीट का यहां इस्तेमाल करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये वैल्यूज आपको जबानी याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है वो 2100 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स है, जो कि आपको इसके अंदर गिवन भी है, उन्होंने वैल्यूज फिलहाल दी हुई है, आपको वैल्यूज जबानी याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसकी ना मालूम कर लेते हैं आइस की हीट क्या, आइस पर इसने कितनी एब्जॉर्ब की हीट माइनस 10 से 0 डिग्री पर। अच्छा जी, इसके लिए एम सी डेल्टा टी, मास कितना है 0.1,
सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 10। तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है 2100 ही आएगा। 0.1 मल्टीप्लाई 2100 मल्टीप्लाई बाय 10 जी, तो ये आ गया 2100 जूल। अब क्या होगा, अब इसका तीसरा हिस्सा शुरू होगा इस न्यूमेरिकल का। अब हम 0 डिग्री से कहाँ पे जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैस इसका वही है कितना, 0.1 किलोग्राम, ठीक। अब चूंकि 0 से ये 10 डिग्री में जा रहे हैं, यानी कि ये वाटर में चेंज हो रहा है, ये वाटर में चला गया, यहां तक ये आइस में था, 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस में था, फिर 0 से 10 डिग्री तक वाटर में चेंज होगा। तो यहां पर यूज होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितनी है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये भी वैल्यूज आपको जुबानी याद हो। अब यहां टेम्परेचर 0 से चूंकि 10 जा रहे हैं, तो 0 आपका T1 टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 273 ऐड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर जो है, चूंकि हमने 0 से 10 जाना है, 0 हमारा T1 होगा और 10 हमारा T2 होगा, वो है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 में हम 273 ऐड करेंगे, ये 283 केल्विन। अब जो आएगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी, T2 माइनस T1, T2 है 283 माइनस T1 है 273, और ये आ जाएगा हमारा 10 केल्विन डेल्टा टी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम जो है, चलो यहां पे कर लेते हैं। अब हम कहां, किस कंडीशन पे, 0 डिग्री से 10 डिग्री में आना है, वाटर में चेंज होना है, तो अब यहां पर कितनी हीट वो जो है रिक्वायर्ड है 0 डिग्री से 10 डिग्री में आने के लिए, तो हीट यानी कि क्यू डब्ल्यू यानी कि वाटर की हमने हीट, वाटर तक पहुंचने में कितनी हीट उसने अब्जॉर्ब की, तो क्यू डब्ल्यू इक्वल एम सी डेल्टा टी। डब्ल्यू से मुराद ये वाटर में आ रहा है, क्यू आई से मुराद ये आइस में था, तो क्यू डब्ल्यू मैस कितना है 0.1, सी क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वो कितनी है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर वो 10 केल्विन आया है, और मेरा ख्याल है ये मल्टीप्लाई होकर 4200 ही आ जाएगा, 4210 जी, ये आ गया 4200 जूल। अब उसने हमसे तो पूछी है, जो स्टेटमेंट के अंदर जो बात उसने हमसे पूछी है, वो पूछी है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, हमें हीट की क्वांटिटी बता दे, टोटल हीट की क्वांटिटी बताएं नीडेड टू मेल्ट ये 100 ग्राम ऑफ आइस को एट -10 डिग्री इनटू वाटर एट 10 डिग्री, कि ये -10 से 10 डिग्री में चला जाए, बताएं इसने कितनी हीट अब्जॉर्ब की। तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे टोटल हीट जो है ना, टोटल हीट क्यू, ये इक्वल होगी ये क्यू एफ यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने शुरू में निकाल ली, प्लस क्यू आई यानी कि आइस की हीट जो उसने अब्जॉर्ब की, और ये डब्ल्यू वाटर में जब चेंज हुआ, तो क्यू इक्वल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास आई है वो कितनी आई थी 33600, यस। उसके बाद ये जो है हीट हमारे पास आई है आइस की 2100, और वाटर की हमने जो अभी फाइंड आउट की है वो है 4200। तो टोटल हीट जो है हम सम अप कर लेते हैं, तो ये होगी 33600 प्लस 2100 प्लस 4200, ये आ गया 3990 हीट का यूनिट क्या है,
जूल। ये वो हीट है जो रिक्वायर्ड थी -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए। आइस को और आइस की क्वांटिटी कितनी थी, 0.1 किलोग्राम यानी कि 100 ग्राम। अच्छा जी, ये था स्टूडेंट हमारा 8.8 न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं 8.9 न्यूमेरिकल। चले जी, उसके हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें हीट कितनी चाहिए। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू हमें कितना चाहिए। हम एक्सचेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो है m, वो कितना दिया उसने, 100 ग्राम है, तो उससे किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड, ये 20 से कट हो गए, 0.1 किलोग्राम। और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, स्टीम होती है 100 पे है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन HV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई 10^6 जूल किलोग्राम इनवर्स। जबकि जो टेम्परेचर है इसका, स्टीम होती है 100 पे, ये तो अंडरस्टूड बात है, वेपोराइजेशन वहीं पे होगी। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, डेल्टा क्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है MHV, हमने हीट मालूम करनी है कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो मास जो है वो कितना है 0.1, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10^6 डेल्टा क्यू वी। इसे हम अगर और से देखें तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये तो 1 हो गया, 2.26 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2.26 10^6। ये जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर क्या होती है, 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये फ्रैक्शन के नीचे है तो ऊपर जाकर 10^-1 हो गया, क्यू वी इक्वल 2.26। ये भी 10, ये भी 10, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2.26 10^5 जूल। ये है जी वो हीट जो रिक्वायर्ड है 100 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ यानी स्टीम में चेंज करने के लिए, और स्टीम होती है 100 के ऊपर है, वो है 2.26 10^5 जूल। चले जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी 8.10 न्यूमेरिकल। अच्छा जी, इसमें कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर हमने मालूम करना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर टी हमने मालूम करना है। टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम, स्टीम जो है वो कितनी है 5 ग्राम ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम कितनी है जी 5 ग्राम, इससे ग्राम है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम, तो इससे किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। अच्छा जी, फिर वो क्या कहते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस, पहला टेम्परेचर कितना है जी,
T1 इसे कह देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 में हम 273 ऐड करेंगे क्योंकि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, तो 100 में हम 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज होके 2373 केल्विन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ये M1 है, ये M2 हो जाएगा क्योंकि वो स्टीम का मास है, ये वाटर का मास है, और वो कितना दिया 500 ग्राम, तो इसे भी क्योंकि मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम, इसे किलोग्राम में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। और वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर जो वाटर का दिया है उसने वो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसे भी हम किसके अंदर लेकर आएंगे केल्विन में, इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये 283 केल्विन आ गया। अच्छा जी, अब आप ज़रा इसका स्टेटमेंट सुने, यानी कि इसकी स्टेटमेंट को अगर आप गौर से समझें तो उसमें हम देखेंगे कि 5 ग्राम जो स्टीम है, 5 ग्राम जो स्टीम है उसने पास आउट होना है 500 ग्राम, यानी कि ये वाटर है 500 ग्राम, इसमें से स्टीम ने पास होना है, स्टीम ने पास होना है इसके ऊपर से, जिसका मास उसने कितना गिवन दिया हुआ हमें, वो है 5, हाँ जी, जिसका मास ऑफ स्टीम 5 ग्राम है। अब ये स्टीम ने हीट, चूंकि स्टीम की हीट 100 डिग्री पे है और ये जो मास ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री पे है, ये 100 डिग्री पे है, तो जाहिर बात है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। अब ये स्टीम जो है जाहिर बात है वो स्टीम ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी, स्टीम अपने हीट लॉस करेगी, फिर वो पानी के ड्रॉपलेट में चेंज होगी, वहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट है वह उनका भी टेम्परेचर हायर होगा इस पानी के टेम्परेचर से, तो वाटर में जब चेंज होगा वो भी हीट लॉस करेगा, और ये जो वाटर है जिसका मास 500 ग्राम है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज को हम देखेंगे, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है क्या, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस्ट बाय स्टीम प्लस हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। इस रूल के तहत हम चलेंगे, तो सबसे पहले तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है उसका हम फार्मूला यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट हीट, इसे कह लें Q1 MHV, चूंकि ये वेपराइजेशन हो रही थी स्टीम, तो Q1 मास कितना है जी, स्टीम का मास कितना है 0.005, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको जबानी याद हो वैसे तो उसने वैल्यू गिवन दी हुई है, वो है 2.26 × 10^5। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.005 × 2.26 × 10^5 equal 10^6 है, 5 नहीं है, 6 है,
तो ये आ जाएगी 11300 जूल। ये तो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम मालूम करेंगे हीट लॉस्ट बाय स्टीम। हीट लॉस्ट बाय स्टीम एट 100 डिग्री है, 100 डिग्री पे है इसका टेम्परेचर। हीट लॉस्ट बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर टी, ये जो पानी का टेम्परेचर है वो। तो उसके लिए चूंकि हम फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे, ये दूसरी आइटम निकाल रहे हैं इसकी एम सी डेल्टा टी। मैस है जहां पर, यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो है ये स्टीम का कितना है 0.005। अब सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि इसने वाटर में, स्टीम से वाटर में चेंज होना है, तो वो आएगा 4200। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर का तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने मालूम करना है फाइनल टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका टेम्परेचर है T1, चले इससे पहले हम, मैं टेम्परेचर को आपको बता दूं, ये T1 आपका टेम्परेचर है 373 केल्विन। और जो हमने फाइंड करना टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो हमारा क्या है टी। तो ये तो हमें मालूम करना है, इसका तो हमें नहीं पता। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा हमारा, वो बनेगा T1 - T। ठीक हो गया। तो डेल्टा टी जो हमारे पास आएगा, T1 कितना है 373, टी हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब हम फार्मूला यूज करते हैं Q2 दूसरी हीट MC डेल्टा टी। ये जो हमने हीट निकाली है ये स्टीम की है, और ये स्टीम से जब वो वाटर में चेंज होगा उसकी है। तो Q2 इक्वल मैस कितना है स्टीम का 0.005, सी क्या है वाटर की स्पेसिफिक हीट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हमने ये निकाला है, ये 373 - T। अच्छा जी, 0.005 × 4200, तो ये आ गया 21, 373 - T। ये 21 आगे 373 से भी मल्टीप्लाई होगा और टी से भी होगा, तो 21 × 373 ये आ गया 7833 - 21, टी से मल्टीप्लाई हो गया 21 T। नहीं जी, उसके बाद जो है हम हीट एब्जॉर्ब्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस टू फाइनल टेम्परेचर टी। यहां पर तो यानी कि स्टीम में था, जो स्टीम ने हीट लॉस की कितने की 11300, जो फिर वो स्टीम ड्रॉपलेट में चेंज हुआ, पानी में चेंज हुआ, तो तब उसने कितनी लॉस की हीट, ये आ गई फाइनल टेम्परेचर टी तक। फिर जो पानी नीचे मौजूद था, यानी कि कितना मौजूद था 500 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अब उसने हीट एब्जॉर्ब कितनी की उस स्टीम से ड्रॉपलेट में चेंज होकर वाटर, उससे हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब की। तो उसके लिए हम इसे Q3 का नाम दे देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको टेम्परेचर मैं बता दूं, यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज होगा वो टी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर, चले इससे हम नाम दे देते हैं TW, खाली टी भी ना लिखें, टेम्परेचर ऑफ वाटर, चले इसे लिख देते हैं
ठीक हो गया। और ये टेम्परेचर ऑफ वाटर लिख देते हैं ताकि ज़रा क्लासिफिकेशन हो जाए टेम्परेचर की। ये टी डब्ल्यू, ये टी डब्ल्यू, ये टी डब्ल्यू। तो हीट अब्जॉर्ब टी डब्ल्यू ये तो हमें मालूम करना है, जबकि पानी का टेम्परेचर जो टी टू है वो कितना उसने दिया हुआ है हमें, ये टी टू टेम्परेचर 283। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा, वो हमारा होगा टी डब्ल्यू माइनस 283, यानी कि टी डब्ल्यू माइनस टी टू डेल्टा टी इक्वल टी डब्ल्यू। हमने टेम्परेचर वाटर मालूम करना है, दूसरा टेम्परेचर हमारे पास है 283। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। चलिए यहाँ से कर लेते हैं हमारे इस, फार्मूला यूज होगा तीसरी हीट जो पानी ने अब्जॉर्ब की वो है एम सी डेल्टा टी क्यू थ्री मैस। मैस ऑफ वाटर अब यूज करना है, वो डाटा में था इधर 500 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम हो गया। ये वाटर है 4200, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो है टी डब्ल्यू माइनस 283। वाटर का जो है 500 ग्राम, ठीक है यही है। अच्छा जी, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 4200, ये आएगा 2100 टी डब्ल्यू माइनस 283। टी डब्ल्यू टेम्परेचर वाटर ये हमने मालूम करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2100 टी डब्ल्यू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2100 मल्टीप्लाई 283, तो ये आ जाएगा 594300। नहीं जी, पहले हमने हीट फाइंड आउट की लेटेंट हीट स्टीम की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर वो स्टीम ड्रॉपलेट में चेंज होगी पानी के अंदर, उसकी हीट हमने फाइंड आउट की, फिर वो पानी तो 500 ग्राम, उसने हीट एब्जॉर्ब कितने की वो ये की, हमने उस टेम्परेचर मालूम करना वाटर का। अब हम फार्मूला यूज करते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज उसके मुताबिक जो है वो Q1 हीट लॉस्ट, हीट जो है लॉस्ट बाय स्टीम किसके इक्वल है, हीट गेन्ड बाय वाटर। हीट जो लॉस्ट हुई है स्टीम में वो पहली तो हुई थी Q1, दूसरी वो स्टीम जब ड्रॉपलेट में चेंज हुई वाटर के वो थी Q2 हमने मालूम की थी, और हीट गेन बाय वाटर वो क्या था हमारा Q3। तो Q1 का आंसर जो है वो तो यहाँ पे था, Q1 का आंसर आया था हमारा 11300, Q2 हमारा आया है 7833 माइनस 21 टी डब्ल्यू, Q3 हमारा ये आया 2100 टी डब्ल्यू माइनस 594300। तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं जी, 11300 प्लस 7833 ये आ गया 19133, और ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस 594300। सारे जो टेम्परेचर है टी डब्ल्यू यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर वो एक तरफ हम लिख लेते हैं, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस 21 टी डब्ल्यू।
अच्छा जी, हम ऐड कर देते हैं इसमें 59430, तो ये आ जाएगा 613433 इक्वल। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, टी डब्ल्यू 2100 प्लस 21, ये टी डब्ल्यू यहाँ से कॉमन आ गया। आगे हम कर लेते हैं ऐसे, ये था जी हमारा आया 613433 इक्वल 2100 में 21 ऐड करेंगे तो 2121 टी डब्ल्यू आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, इसे हम डिवाइड कर देते हैं जी 613433 डिवाइडेड बाय 2121, ये आ गया 289.21 केल्विन। ये इसका आंसर किस में है जी, 289.21 केल्विन में। बुक पे इसका आंसर जो है वो उन्होंने सेल्सियस पे दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसे सेल्सियस में ले आते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 289.21 याद करें, अगर हम सेल्सियस में गिवन हो और केल्विन में आना हो तो हम इसे किस में क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में आना हो तो 273 ऐड करते हैं। इसके अंदर हम 273 को क्या कर देंगे, माइनस, तो इसे माइनस कर लेते हैं जी हम 289.21 माइनस 273, ये आएगा 16.2 डिग्री सेल्सियस। ये था स्टूडेंट के ये वाटर है, वाटर, उसके ऊपर से स्टीम पास हुई और वो स्टीम फिर किस में चेंज हुई, वाटर ड्रॉपलेट्स में। स्टीम ने हीट को लॉस्ट किया, वो थी हमारी Q1, और ये फिर पानी के ड्रॉपलेट में चेंज हो गया, और पानी का टेम्परेचर जारी बात है वो ज़्यादा होना था, ये जो नीचे पानी का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम हमारे कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले तो हमने हीट की स्टीम फाइंड आउट की Q1, फिर वो हीट स्टीम में किस में चेंज हुई, वाटर ड्रॉपलेट में, फिर हमने उसकी हीट फाइंड आउट की, यानी कि दोनों सूरतों में Q1 और Q2 इसमें हीट लॉस्ट हुई है स्टीम की। नीचे क्या है, पानी में से के ऊपर से पास हो रही थी, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री था, स्टीम 100 थी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, जब ये ड्रॉपलेट इस वाटर में आएंगे तो ये जो ड्रॉपलेट अपनी मजीद हीट लॉस करेंगे और ये वाटर हीट को गेन करेगा, और वो कितनी गेन करेगा, कितना टेम्परेचर होगा उसका, 16.2 डिग्री सेल्सियस या 289.21 केल्विन। ये थे स्टूडेंट आपके, आज हमने जो डिस्कस किए हैं 8.7, 8.8, 8.9 और 8.10, ये न्यूमेरिकल मान हमने डिस्कस किए हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करें तो फिर ये आपको इंशाल्लाह ताला इसमें मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।